दोस्तों बचपन में नहीं थे बैट खरीदने के भी पैसे, माँ करती थी पड़ोसी को काम, बेटे ने 160 रनों की तूफानी शतक के पारी खेल, छा गया पूरे क्रिकेट जगत में नाम। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और कौन है ये शानदार बेहतरीन खिलाड़ी, सब कुछ बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों श्रीलंका से मिले पहाड़ सरी के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान के सूरमाओं की फौज सस्ते में निपट गई। श्रीलंकाओं को लगा कि वह जीत जाएगा, लेकिन 22 वर्ष के अब्दुल्ला सफीक ने होने नहीं दिया। उन्होंने नाबाद 160 रन ठोके हुए पाकिस्तान के रिकॉर्ड को जितला दी। 342 रनों का लक्ष्य सामने हुए तो बड़े बड़े सूरमाओं का हौसला जवाब दे जाता है। लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच गाले में ऐसा देखने को भी मिला है। दोस्तों इमाम हुलक 35, अजहर अली 6, बाबर आजम 55 और मोहम्मद रिजवान 40 जैसे टीम के धाकड़ बल्लेबाज एक के बाद एक करके पवेलियन लौट गए। लेकिन एक छोर में मैच 22 वर्ष के अब्दुल्ला सफीक ने ऐसा खूंटा गाड़ा कि पाकिस्तान को रिकॉर्ड जीत लाकर ही दम लिया। सफीक ने 408 गेंदों में सिर्फ 7 चौके और 1 छक्का लगाया और 160 रन बनाकर नाबाद लौटे। यानी कि उन्होंने 160 रनों में सिर्फ 34 रन ही बाउंड्री से बनाए थे, जबकि 126 रन दौड़कर बनाए। रनों का पीछे करते हुए ये इस मैदान पर किसी भी टीम की सबसे बड़ी जीत है और इस जीत के हीरो रहे सफीक। इस कारनामे के बाद तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार ये बल्लेबाज कौन है जिसके आगे इस मैच में बाबर आजम भी फीके पड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, 20 नवंबर 1999 को दुनिया भर में क्रिकेट बैट के लिए मशहूर सियालकोट के क्रिकेट खानदान में जन्मे इस युवा तर्क के बेहद छोटी उम्र में तमाम रिकॉर्ड अपने नाम किए। उनके करियर में ये सिर्फ एक छठा टेस्ट था और उनके खाते में 2 बेजोड़ शतक दर्ज हो गए। क्रिकेट खानदान इसलिए कि उनके पिता और चाचा दोनों ही क्रिकेटर रहे। पिता सफीक लंबे समय तक क्रिकेटर खेले हैं और बाद में कोच बने। उनके चाचा अरशद अली ने यूएई के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेली है। वहीं अब्दुल्ला को पाकिस्तान सुपर लीग में 2018 में मुल्तान सुल्तान ने ड्राफ्ट किया है, लेकिन एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला है। 2 नवंबर 2019 को उन्होंने सेंट्रल पंजाब के लिए कायदे आजम ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और 133 रन ठोक डाले। यही नहीं, 30 सितंबर 2022 को उन्होंने नेशनल टी20 कप में सेंट्रल पंजाब के लिए टी20 डेब्यू किया और 102 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली और ऐसा करने वाले पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास के पहले बल्लेबाज बने। वहीं दोस्तों नवंबर 2021 में जब अब्दुल्ला को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुना गया था तो उन्होंने डेब्यू टेस्ट में 52 रनों की ताबड़ बेजोड़ पारी खेली थी और साथ ही क्रिकेट के सबसे पुराने फॉर्मेट का आगाज किया। फरवरी 2022 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया था, तो शायद ही किसी को लगा था कि यह खिलाड़ी यहां भी शतक जड़ देगा। लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले टेस्ट की चौथी पारी में नाबाद 136 रनों की शानदार पारी खेली थी। तो वहीं दोस्तों कहा जाता है कि किसी खिलाड़ी का करियर खराब करना हो तो उसको डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करवा दीजिए, लेकिन इस 20-21 वर्ष के खिलाड़ी ने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की क्लास लगा दी। उन्होंने अपने शतक में 15 चौकी और 1 छक्का जड़ा, जबकि पहली पारी में 44 रन की पारी खेली थी। तो यह रिकॉर्ड बताते कि अब्दुल्ला के रूप में पाकिस्तान को एक और वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज मिल गया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिकेट में जमाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है अब्दुल्ला शफीक के बारे में, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो छिलके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका